फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि विल बी और वुड बी में क्या फर्क है। आप कहते हैं कि इन टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विल बी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि आने वाले दिन में यानी फ्यूचर में कोई इंसान कुछ रहेगा। जैसे ही विल बी अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर होगा आने वाले दिन में, यानी फ्यूचर में वो एक डॉक्टर होगा। ही विल बी एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर होगा यानी आने वाले दिन में वो एक इंजीनियर होगा। यू विल बी अ ग्रेट टीचर, आप एक महान टीचर रहेंगे यानी आने वाले दिन में ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, विल बी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको कहना हो कि फ्यूचर में कोई इंसान कोई चीज रहेगा। लेकिन अगर हम बात वुड बी की करें तो वुड बी का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए करते हैं। यानी जब हमें कोई एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो जो प्रेजेंट टाइम का हो और जहाँ पॉसिबिलिटी हो, यानी आपको गेस करना हो, तो वहाँ पर आप वुड बी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में हैं और आप किसी इंसान को देखकर कह रहे हैं वह एक चोर होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आने वाले दिन में वह एक चोर होगा, बल्कि आपने किसी इंसान को देखकर गेस किया और आपने बोला कि वह एक चोर होगा। यानी आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट में है और जहां आपने गेस किया, यहां आपके सेंटेंसेस में संभावना दिखाया गया। अगर आप किसी इंसान को देखकर कहें कि वह अमीर होगा, यानी आप उसके लुकिंग को देखकर कहें कि वह अमीर होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वुड बी रिच। तो इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं कि आने वाले दिन में वह अमीर होगा, बट आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं गेस करता हूँ कि वह आदमी अमीर होगा। यानी आपको ऐसा लगता है कि वह आदमी अमीर है, अब वो वाकई अमीर है कि नहीं है आपको ये बात कन्फर्म नहीं है, इसलिए आपने गेस किया। अगर आपके सामने खाना है और आपने खाने को देखकर कहा खाना टेस्टी होगा, तो इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं कि आने वाले दिन में जो खाना होगा वो टेस्टी होगा, बल्कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है क्योंकि आपके सामने खाना है। अब आपने यहाँ पर गेस किया कि आपको ऐसा लगता है कि खाना टेस्टी होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डिनर वुड बी टेस्टी। यह आपके बातों में पॉसिबिलिटी है यानी संभावनाएं हैं। अगर आप किसी इंसान के लुकिंग को देखकर कहें कि वह एक फौजी होगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वुड बी अ सोल्जर। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि ही विल बी अ सोल्जर। अगर आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बातों से पता चलेगा कि ऐसा आने वाले दिन में होगा, लेकिन वो आदमी आपके सामने है बट आपको पता नहीं कि वाकई वो सोल्जर है कि नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर वुड बी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वुड बी से गेस किया जाता है या संभावनाएं दिखाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको विल बी और वुड बी में फर्क समझ में आया कि जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे और जब आप प्रेजेंट टाइम में पॉसिबिलिटी दिखलाएंगे या फिर प्रेजेंट के एक ऐसा सेंटेंस जहां आप गेस कर रहे हैं वहां पर आप वुड बी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।